बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का आज ऐलान होने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर बैठक शुरू हो गई है और बैठक के लिए नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान अमित शाह के घर पर मौजूद है। सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के घर बैठक शुरू हो गई है। नीतीश, रामविलास और चिराग पासवान बैठक में मौजूद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी बैठक के बाद सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। सीधा रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, बैठक शुरू हो चुकी है, अंदर कौन कौन बड़े नेता पहुंच चुके हैं? जी अमांद्रा, बैठक शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, चिराग पासवान सभी नेता यहां पहुंचे हैं और अमित शाह के साथ उनकी बैठक शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है जिसमें चारों नेता सामने आएंगे मीडिया की और इसका ऐलान किया जाएगा औपचारिक तौर पर। और फॉर्मूला देखने वाली बात ये होगी कि जो फॉर्मूला तय हुआ है उसी के हिसाब से ये माना जा रहा है घोषणा की जाएगी। लेकिन एक जो और भी दिलचस्प पहलू ये होगा कि किन किन सीटों पर असली चुनौती अब ये होगी कि इन पार्टियों के भीतर कौन कौन सी सीटें होंगे जिस पर इन तीनों पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होंगे। हमारे साथ विकास हमारे सहयोगी हैं, बीजेपी पर लगातार नजर रखें। विकास, ये सबसे पहले बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा के केस में हमने देखा कि बीजेपी उस तरह से सामने नहीं आई, लेकिन रामविलास पासवान के केस में बीजेपी भी हरकत में आई, तो पहले तो ये बताइए कि बीजेपी क्या अब बिल्कुल ये माना जाए कि समझौता हो चुका है? दूसरा, किन किन सीटों पर तीनों पार्टियां लड़ेंगी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये समझौता हो चुका है और इसलिए आज सारे नेता एक साथ बैठे हुए हैं, नहीं तो ये साथ में नहीं होते और ये अलग अलग दौर में बैठकों का दौर चलता। ये डील सील हो चुकी है, 18 सीटों पर बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, 17 लोकसभा सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और 5 लोकसभा सीटों पर एलजेपी चुनाव मैदान में होगी। एक सीट राज्यसभा की उनको संभवतया आसाम से दी जाएगी, रामविलास पासवान को उनको राज्यसभा में लाया जाएगा, वे खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक सीट उनको या तो उत्तर प्रदेश या झारखंड, बाहर के राज्य में दी जाएगी। ये डील सील हो चुकी है। देखिए जब कुशवाहा जी मांग कर रहे थे कि बैठक हो, बैठक हो, बैठक हो, और उस समय ये मानना पड़ेगा कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो इस पूरे गठबंधन को संभाल के रखने में नाकामयाब रहा, वो जो असेसमेंट करने में नाकामयाब रहे कि कुशवाहा जी उनको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही चिराग ने जब ट्वीट किया कुशवाहा जी के छोड़ने के बाद, उसके बाद इनके कान खड़े हुए और ये अपनी नींद से जागे और उसके बाद इन्होंने आनंद फानन में कोशिश की और आपको आपने भी देखा कि 24 घंटे के भीतर ही ये बैठक हुई चिराग पासवान और रामविलास पासवान और बीजेपी अध्यक्ष और दूसरे नेताओं के बीच। लग गया था इनको कि अब खतरा सर पर मंडरा रहा है। रामविलास पासवान की मौसम विज्ञानी की एक छवि है और वो छवि ये कहती है कि अगर रामविलास पासवान गठबंधन छोड़ के चले गए तो पार्टी की हार तय है, तो उससे बचने के लिए बहुत तेजी से काम हुआ। क्या आज इस बात का भी फैसला हो गया है या हो जाएगा कि किन किन सीटों पर कौन कौन सी पार्टियां लड़ेंगी, क्योंकि वो एक बड़ी चुनौती होगी तीनों पार्टियों के लिए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी, उसमें से कुछ सीटें छोड़नी होंगी। क्या वो भी फैसला हो गया और उसका ऐलान भी हो जाएगा आज? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ज्यादातर सीटों पर काम हो चुका है, कुछ एक सीटें हो सकता है कि उन पर आखिरी दौर की बातचीत बची हो, जैसा कि हमने खबरों में भी दिखाया कि किस तरह से एनडीए के बीच यानी कि खासतौर पर जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो रहा है। जिन सीटों पर पीछे पहले बीजेपी लड़ी थी ऐसी 5 सीटें और ऐसी और 6 सीटें जिन पर एनडीए लड़ा था उस समय का, 2014 का एनडीए लड़ा था, वो सीटें अब जेडीयू को दी जा रही हैं और बाकी सीटें एलजेपी और बीजेपी के बीच रहेंगी। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो कैंडिडेट के लिए होती है उसको उससे भी बचने का एक तरीका है। और दूसरा, बीजेपी ये भी दिखाना चाहती है कि देखिए हमने अपनी जीती हुई सीटें आपको दी हैं, आप हमारे गठबंधन के सम्मानीय सदस्य हैं और ये जो गठबंधन बन रहा है ये बहुत जिसको कहना चाहिए गाढ़ा गठबंधन है और इसके असर भी गाढ़े ही आएंगे। आप बीजेपी सालों से देख रहे हैं विकास, ये बताइए एक बहस चली कुछ महीनों पहले कि बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई कौन होगा। अब चूंकि 5 सीटें पहले अनाउंस हुआ था कि बीजेपी जेडीयू 50-50% पर लड़ेंगी, अब चूंकि बची 35 तो किसी न किसी पार्टी को एक सीट ज्यादा मिलेंगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी 18 ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, तो क्या ये वही बात माना जाए कि बीजेपी बड़ा भाई साबित हुई या आपस में किसी तरह का एक सामंजस्य है दोनों पार्टी? ये देखिए सामंजस्य भी है लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई है दोनों दलों के बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच,
केंद्र में बड़ा भाई बीजेपी है और राज्य में बड़ा भाई नीतीश कुमार है। आप जब विधानसभा चुनाव होंगे तब आप देखेंगे, जब सीटों का बंटवारा होगा तो कुछ सीटें जेडीयू की ही ज्यादा होंगी, तो राज्य में बड़ा भाई नीतीश कुमार होंगे, केंद्र में बड़े भाई नरेंद्र मोदी होंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तत्परता से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया रामविलास पासवान के केस में, क्या हम कह सकते हैं कि वो जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए विकास, उससे भी बीजेपी को लगा कि अपने सहयोगियों को समेट कर रखना ज्यादा जरूरी है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए पॉलिटिक्स परसेप्शन की होती है और जब 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारी और ये वो 3 राज्य थे जो कि बीजेपी का डोमेन कहा जाता था, तो निश्चित रूप से ये परसेप्शन बदला और उस परसेप्शन बदलते परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी को लगा कि अब सहयोगियों को समेट के रखना और इस परसेप्शन को तोड़ना कि बीजेपी अब की हार शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव में भी हारेगी, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए उन्होंने तेजी से अपने गठबंधन पर काम करना शुरू किया है। केवल एलजेपी या जेडीयू की बात नहीं है, शिवसेना पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी 4 दिन पहले खुद मुंबई में थे, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को साफ तौर पर कह दिया है कि शिवसेना की और विकास भदौरिया दोनों अमित शाह के घर जो बैठक चल रही है उस पर नजर बनाए रखे। लगता यही है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर बिहार को लेकर बन गई है बात। अमित शाह के घर इस वक्त बैठक चल रही है, उसके बाद हो सकता है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।